टॉप 10 न्यूज आज के ताजा समाचार मेहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र पटेल जी का तूफानी दौरा विगत कई दिनों से जोरों से चल रहा है। इसी क्रम में मेहर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भैसासुर पहुंचकर ग्रामीण जनों को कांग्रेस सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। इस मौके पर किसान नेता अमृतलाल पटेल, ददुबल पटेल एवं काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। रीवा भाजपा नेता ने 72 हुरेम फिल्म से प्रभावित होकर लगाया। कांग्रेस सरकार का 72 घूंसे वाला विवादित पोस्टर, कांग्रेस सरकार के 72 घोटालों का किया जिक्र। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी AAP, प्रदेश प्रभारी BS जून ने कहा। विपक्षी एकता लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। रीवा जिले के सिरमौर जवा जनपद के CEO सुरेश मिश्रा भ्रष्टाचार कर राशि गबन करने पर हुए निलंबित। उन्हें पन्ना जिले के गुन्नौर जनपद से हटाकर आयुक्त कार्यालय सागर संभाग किया गया अटैच। मेहर जनपद उपाध्यक्ष बिज्जू त्रिपाठी ने एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाकर बचाई जान। मामला मेहर बाईपास इंडियन काफी हाउस के सामने का है, जहां पर टू व्हीलर गाड़ी का एक्सीडेंट ट्रक से हो गया और टू व्हीलर बाइक में बैठे लड़के का पांव टूट गया। मौके पर निकल रहे मेहर जनपद उपाध्यक्ष ने अपनी गाड़ी रोककर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाए जाने को लेकर मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। रीवा, खेत में मिली 60 वर्षीय वृद्ध की लाश, मौके पर पहुंची पुलिस, घटना या दुर्घटना की जांच कर रही पुलिस। जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथगंज चौकी क्षेत्र का मामला। घर वापस जाते समय ही वृद्ध की मौत। रीवा में अज्ञात वाहन में लिफ्ट लेकर बैठे महिला के साथ आरोपियों ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर उत्तर प्रदेश से पकड़ा। रीवा में रफ्तार का कहर, मोटरसाइकिल सवार ने 19 वर्षीय छात्रा को उड़ाया। छात्रा की हालत नाजुक, संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। 22 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं आया होश। डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, गंभीर रूप से घायल काजल का बचना मुश्किल। अमैया हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुमित सिंह है और उसके मामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या की मुख्य वजह जानने में जुटी पुलिस। ब्राह्मण समाज ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, मुख्य आरोपी के पूरे घर को गिराने की मांग। अब तक 5 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार, 5 फरार हैं।